15 अगस्त को यानी कि कल महिंद्रा मोटर्स ने थार का एक ईवी वर्जन ऑटो एक्सपो साउथ अफ्रीका में रिवील कर दिया है एंड उन्होंने उसी के साथ साथ महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का एक पिकअप वर्जन भी लॉन्च कर दिया है। एंड इस वीडियो में हम खाली थार के बारे में बात करेंगे, थार ईवी के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्या सच में थार ईवी आने वाली है। तो अगर आने वाली है, क्या इसमें आपको 4x4 का ऑप्शन देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा, एंड इसकी प्राइस क्या होने वाली है एंड ये कब तक लॉन्च होगी, सब कुछ जानेंगे बिट बाय बिट कार डिटेलिंग के साथ। लेकिन अगर आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड पिकअप ट्रक पे भी एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। अभी के टाइम पे महिंद्रा एंड टाटा दोनों ही इंडियन ब्रांड्स हैं एंड वो दोनों ही एक दूसरे को कड़ी का कंपटीशन दे रहे हैं, एक टक्कर दे रहे हैं। एंड इस बात में यहाँ पर कोई शक नहीं कि टाटा अभी के टाइम पे नंबर 1 पोजीशन पे बैठा है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रिक कार जनरेट करते हैं एज कम्पेयर टू महिंद्रा मोटर्स। महिंद्रा मोटर्स की अभी तक कोई प्रॉपर एसयूवी इंडियन मार्केट में नहीं आई है एंड वो अब 5 न्यू एसयूवी 2027 तक इंडियन मार्केट में लाएंगे। लेकिन पहले वो थार ईवी लाएंगे जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पहले डिजाइन पे नजर डालें कि क्या थार ईवी डिजाइन में भी वैसी रहने वाली है जैसे आपको थार 4x4 एंड 4x2 आती है, तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। आपको न्यू डिजाइन देखने को मिलेगा, आपको फ्रंट में न्यू LED स्ट्रिप देखने को मिलेगी एंड फ्रंट ग्रिल में आपको रेक्टेंगुलर शेप हेड लैंप्स देखने को मिलेंगे एंड फ्रंट में आपको उतनी ज्यादा चेंज तो नहीं देखने को मिलेगी जितनी आपको साइड प्रोफाइल एंड रियर प्रोफाइल में देखने को मिलेगी। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो साइड प्रोफाइल से ये कार काफी ज्यादा डिफेंडर से रिजेंबल होती है, हालांकि 70-80% ये डिफेंडर के जैसे ही दिखती है। वही बैक साइड की अगर हम बात करें तो बैक साइड से ये डिफेंडर की जैसे ही दिखती है, बस फ्रंट साइड में ये आपको थार के जैसे देखने को मिलेगी। एंड उसी के साथ साथ थार ईवी में अब आपको 4 मोटर्स देखने को मिलेंगे, वहीं थार 4x4 में आपको खाली 2 मोटर्स देखने को मिलते थे जो कि ईवी कार्स होती है। ईवी कार्स में आपको 2 मोटर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन थार ईवी में आपको 4 मोटर्स देखने को मिलेंगे जो कि शायद 4x4 के ऑप्शन के साथ आने वाले हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन थार ईवी में आपको क्या कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको क्रैब स्टेयरिंग देखने को मिलेगी जिससे आप साइडवे मूवमेंट बड़े ही आराम से कर सकते हो, जैसे कि आपको हमर ईवी में देखने को मिलता है। मतलब कंप्लीट 360 रोटेशन आप कर सकते हो, वो भी गाड़ी को एक जगह रख के, मतलब अब आपको रिवर्स आगे नहीं करना पड़ेगा। एंड उसी के साथ साथ आपको महिंद्रा थार ईवी INGLO प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी जिसपे अधिकतर SUVs को बनाया जाता है। एंड महिंद्रा थार ईवी के साथ साथ आपको XUV700 EV का लॉन्च भी इंडियन मार्केट में जल्दी ही देखने को मिलेगा। एंड महिंद्रा थार यहाँ पर बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रही है, महिंद्रा मोटर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार एक इनिशिएटिव निकला था जिसपे बताया जा रहा था कि इंडिया में 2027 तक डीजल कार्स बैन होने वाली है। हालांकि वो तो एक रियल रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन 2030-2035 तक इंडिया में डीजल कार तो बैन होंगी और महिंद्रा की ज्यादातर अधिकतर SUVs डीजल कार में आती है जैसे XUV700 स्कॉर्पियो एंड थार। इसीलिए वो अपनी पॉपुलर कार्स को ईवी वर्जन में लाएंगे जिससे क्या पता उनका मार्केट हाई भी हो जाए या लो भी हो जाए, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन 2026 मैं आपको महिंद्रा थार का लॉन्च इंडियन रोड्स एंड इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। अभी तो बस इसे शोकेस किया गया है ऑटो एक्सपो में, अब इसकी टेस्टिंग भी होगी जो कि 5-6 महीने होगी एंड फिर महिंद्रा थार इस पे देखेगी कब तक लॉन्च करेंगे। 1-1.5 साल इस कार को तो लग जाएगा इंडियन मार्केट में आते हुए एंड जल्दी भी शायद आ सकती है, जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूरी से करके रखना है। एंड उसी के साथ साथ जो इस कार में सबसे बढ़िया बात है वो है इस कार में आपको 1 चार्ज पे 450 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलेगी। रेंज वेंज का तो सब पता है, लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ा सवाल रहता है वो ये है, क्या महिंद्रा थार 4x4 के ऑप्शन के साथ आने वाली है? शायद हाँ, क्योंकि महिंद्रा थार की जो लेगेसी है, जिसे महिंद्रा थार ज्यादा प्यार करते हैं, वो 4x4 ऑप्शन के साथ आने वाली है। एंड इसका डिजाइन भी काफी ज्यादा चेंज किया गया है, आपको ये डिफेंडर की लुक्स प्रोवाइड करती है रियर प्रोफाइल से भी एंड फ्रंट प्रोफाइल से, एंड शायद से इसमें आपको 4x4 को ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। एंड ये पहली ऐसी कार होने वाली है, पहली ऐसी 4x4 SUV होने वाली है जो कि आपको ईवी वर्जन में इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। एंड थार का बुखार तो लोगों पे चढ़ा ही है, और ये अगर इंडियन मार्केट में आ गई तो काफी ज्यादा लोग उसको ये अट्रैक्ट करने वाली है, क्योंकि इसकी जो प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगी वो काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। एंड उसी के साथ साथ अगर आपने देखा होगा कि थार 5 डोर को भी इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन ये कार भी आपको 5 डोर वर्जन में देखने को मिलेगी,
शायद से, लेकिन वो कार तो आएगी या नहीं आएगी उसकी अभी ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं आई है, लेकिन ये कार डेफिनेटली आने वाली है क्योंकि उस कार को इस तरीके से अभी नहीं दिखाया गया, लेकिन इस कार को ऑटो एक्सपो में भी दिखाया गया है, मतलब ये कार तो डेफिनेटली आएगी आएगी। हालांकि एक डेढ़ साल बाद आ सकती है, लेकिन आप मेरी गारंटी यहाँ पर लिख सकते हो कि ये कार इंडियन मार्केट में जल्द ही आएगी। अगर आपको इस कार के रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में।